दोस्तों अपना चैनल का देसी हिसाब में ये कोड सीखने का लेसन 3 नंबर वीडियो है। ऑलरेडी मेरे चैनल पे 2 वीडियो आपने शायद देखे होंगे पहले से, जो कि मेजर कोड माइनर कोड का जानकारी था उसमें। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ। इस वीडियो के साथ साथ आगे और भी आएगा जो कि कोड रिलेटेड होगा, जो कि लेसन 3, लेसन 4, लेसन 5 होके आएगा। हम आगे धीरे धीरे करके उसको पूरा एक्सपर्ट तक जाने के लिए कोशिश करेंगे। तो अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि 2 वीडियो का ही रिलेटेड होगा, लेकिन जो सीखने का तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा, आप अभ्यास कर सकते हैं। पहले बात दोस्तों, कोड के साथ ना बजाने के लिए सभी को बहुत मन लगता है, क्योंकि हर कोई बजाता है तो हम देखते हैं तो हम भी ऐसा कुछ बजा देते, ऐसा कुछ मन में फीलिंग रहता है। तो आप घबराइए नहीं, आपका राइट हैंड अभी चल रहा है, कोई बात नहीं, आप लेफ्ट हैंड में भी आप कोड के साथ बजा सकते हो। ज़्यादातर दोस्तों स्लो गीत में कोड बजा के हम बजाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और आप देखे हैं स्लो गीत में ज़्यादातर कोड बजता है, और हम नागपुरी तो ऐसे ही प्ले कर देते हैं, हो जाता है। लेकिन जो इंट्रो पार्ट रहता है, जो स्लो से गीत स्टार्ट होता है, उसी में हमको इंट्रो पार्ट में कोड लगाएंगे तो बहुत बढ़िया सुनाई देगा। जैसे कि अभी देखिए, मान लो सैंपल दोस्तों, कोड का ऐसा फंडा है जो कि राइट तरफ अगर हाँ बोल रहा है तो इधर भी हाँ करना है, अगर राइट साइड अगर ना करना है तो इधर भी ना करवाना है, इसका यही फंडा है। तो मैं आपको धीरे से अपना देसी हिसाब में आपको बताऊंगा, आगे जाकर आपको जरूर समझ में आएगा। तो मेरे वीडियो में कोशिश करता हूँ जो अनपढ़ हैं वो भी समझे, जो पढ़ा लिखा है वो भी समझे, सबके लिए आसान होगा, क्योंकि हम देसी आदमी हैं, नागपुरी हैं, तो हमारा आदिवासी आदमी को मैं समझता हूँ, इसीलिए मैं अपना तरीके से बनाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ भी आए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक सैंपल देखिए। ज़्यादातर जो कोड जो बजता है नागपुरी में, चाहे किसी भी गीत में, एकदम इंट्रो पार्ट में स्लो से जब गीत स्टार्ट होता है या कुछ म्यूजिक स्टार्ट होता है, तो एग्जाम्पल में देखिए, धीरे धीरे आगे जाके सभी बटन के साथ देखेंगे। लेकिन फिलहाल 2 वीडियो के साथ साथ अभी ये 3 नंबर वीडियो होगा कोड रिलेटेड, जो कि आपको अभ्यास में आपको सहायक बनेगा। तो पहले आपको क्या करना है समझिए, आप पियानो टोन ले ले, नहीं तो आप एकम जो आपका है, ठीक है, ये वाला टोन ले ले, नहीं तो आप पहले पियानो टोन ले लीजिए, वो आपको सही होगा। देखिए, और मुझे बताने में भी आसान लगेगा। तो दोस्तों आप मेरा 2 वीडियो आप देखे हैं, मेजर कोड माइनर कोड आपको पता है, 1 5 8 मेजर होता है, 1 4 8 जो कि माइनर होता है। तो उस वीडियो के साथ साथ आपको अभी जो मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो आपको करना है, धीरे से आपको चलना है दोस्तों। अगर जल्दी सीखने के लिए कोशिश करोगे तो नहीं होगा, कुछ भी चीज़ धीरे से अपना माइंड में सेट करके आगे लेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। देखिए आपको क्या करना है, आपको पता है 1 5 8 जो कि मेजर होता है, 1 4 8 जो कि माइनर होता है, आपको पता है। तो इसी के साथ साथ आपको लेफ्ट हैंड में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, और राइट साइड में कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको लेफ्ट हैंड में करना है, बाद में आप एक्सपर्ट होने के बाद आप राइट साइड में करेंगे, उसके उसका वीडियो मैं आगे लाने के लिए कोशिश करूंगा। तो देखिए यहां पर मैं सी मेजर कोड पकड़ा हूं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ से एक पकड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, ओके, थोड़ा सा देख लीजिए, मैं जो एक्सरसाइज है थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा, जो कि आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 में एक उंगली, इसके बाद 6 7 8 में एक उंगली। ऐसे भी दोस्तों आपको मेजर कोड माइनर कोड कितना नोट में होता है आपको पता है, तो उसको अभी जो एक्सरसाइज है वो देखिए, आपको करना है सी मेजर, सी माइनर, सी मेजर, सी माइनर, इसको आपको पहले पहले 3 4 बार आपको अभ्यास करके आपको प्रेस करना है मुंह में बोलकर, ठीक है, कैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, सी मेजर, सी माइनर, सी सात मेजर, सी सात माइनर, सी सात मेजर, सी सात माइनर, बाद में नीचे आएंगे, ये हो गया डी, डी मेजर। देखिए मैं उतना ही पकड़ा हूं, 1 5 8 1 4 8, जैसे कि 1 5 8 हुआ मेजर,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ठीक है, बाद में वैसे ही आपको बोलते जाना है। डी मेजर, डी माइनर, डी मेजर, डी माइनर, डी मेजर, डी माइनर, बाद में आगे जाना है डी शार्प, डी शार्प मेजर, डी शार्प माइनर, डी शार्प मेजर, डी शार्प माइनर, ओके, बाद में फिर नीचे आना है। ऐसा करते करते आपको यहाँ तक आना है। ठीक है, इसको एकम्पमेंट भी कर सकते हैं, देखिए बहुत बढ़िया सुनाई देगा। ई नोट में देखिए, ओके, ई मेजर, ई माइनर, ई मेजर, ई माइनर, ई मेजर, ई माइनर, ऐसा आपको बार 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 मेजर माइनर करते करते आपको अभ्यास करना है सभी नोट के साथ। बाद में आगे एफ में देखिए, एफ मेजर, एफ माइनर, एफ मेजर, एफ माइनर, बाद में आगे एफ सात, एफ सात मेजर, ठीक है, एक पाँच आठ, एफ शार्प माइनर, एक चार आठ, ठीक है, एफ शार्प मेजर, एफ शार्प माइनर, एफ शार्प मेजर, एफ शार्प माइनर, बाद में आ गया जी नोट, जी मेजर, जी माइनर, जी मेजर, जी माइनर, ठीक है, ये बीच वाला माइनर पे पीछे आएगा सभी नोट के साथ, सभी टाइम में सभी माइनर के साथ। आप मेजर जाएंगे तो मेजर के बाद जो माइनर करेंगे बीच का जो उंगली है वो पीछे जाएगा उतना ही। बाद में हम यहाँ तक आए थे, बाद में ये आ गया जी शार्प मेजर, कहाँ पर होगा देखिए, ठीक है, बाद में जी शार्प माइनर, ठीक है, बाद में ऐसे ही उसका आपको रिपीट करेंगे, जी शार्प मेजर, जी शार्प माइनर, जी शार्प मेजर, जी शार्प माइनर। दोस्तों आपको कॉर्ड सीखना है, ऐसे आपको अगर कोई सिखा रहा है या मेरा वीडियो अभी आप देख रहे हो तो आपको ये बोरिंग सा लगेगा थोड़ा, ठीक है, लेकिन आपको सीखना है आगे तक तो आपको ये सब फॉलो करके आपको थोड़ा थोड़ा करना है। ठीक है, आप राइट में कुछ प्ले कर रहे हो उसके साथ साथ थोड़ा 10-15 मिनट निकाल के आपको ये सभी चीज 10 से 15 मिनट तक आपको लेफ्ट हैंड में आपको कोड को अभ्यास करना है। तो ये सेकंड में आप कर रहे हैं, देखिए ऐसा, ठीक है, आप सेकंड में नहीं बोलेंगे तो भी आप उंगली को आगे आगे करते करते प्रेस करते जाएंगे। अभी डायरेक्ट करेंगे क्योंकि आपको पता चल गया, मुंह में बोलने की जरूरत नहीं है कि मेजर ये माइनर, सी शार्प मेजर, सी शार्प माइनर, ऐसा बोलने का जरूरत नहीं, अभी डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन पहले जैसा हम बोल के किए थे वैसे ही आपको करना है। बाद में ऐसे, ठीक है, क्योंकि आपका मन में रह गया होगा मेजर ये होता है, माइनर वो होता है, ठीक है, बाद में लास्ट नोट, बाद में फिर से यहां, ऐसा करते करते यहां तक आपको आना है। ठीक है, आप 2 ऑक्टेव तक आपको आगे पीछे जाकर करना है। बाद में इधर से भी आपको उलटना है, करते करते जाना है, कैसे, बाद में यहाँ, तभी आपको हाथ में आएगा ये, और इधर से ही आओगे और अभ्यास करते रहोगे तो थोड़ा जल्दी नहीं होगा, आपको इधर से भी जाना है तभी आपको अभ्यास होगा। बाद में ये,
बाद में ये ए नोट का, बाद में जी शार्प, बाद में जी, ऐसा आपको आगे जाना है पीछे आना है, आगे जाना है पीछे आना है, ये वाला करो। मैं फिर से जो लेसन 4 और 5 जो आएगा कोड का रिलेटेड वीडियो, उसमें मैं और आपको डेवलप करने के लिए मैं बताऊंगा, और इंट्रो में कैसे लगाएंगे, नागपुरी गीत में कैसे लगाएंगे, वो भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ये सब वीडियो ना कोड रिलेटेड मैं थोड़ा कुछ महीने के बाद मैं लाने वाला था, लेकिन आपका रिक्वेस्ट था, एक भाई का रिक्वेस्ट था, सर जी कोड का बारे में भी वीडियो लाइए, तो इसलिए मैं ये वीडियो आपको एक्सरसाइज के लिए लेकर आया हूँ। और ऐसे भी टोटल वीडियो बीच बीच में आते रहेगा, आप देखते रहिए, जो वीडियो आपको पसंद है वो आप देखिए। और एक बात दोस्तों, आपका जो भी कमेंट रहता है, जो भी रिक्वेस्ट रहता है, मैं उसको लाने के लिए कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा कुछ दिन लेट होता है, किसी का वीडियो पहले ही आ जाता है, किसी का रिक्वेस्ट बाद में ही आता है, तो आपको घबराना नहीं है, आपका रिक्वेस्ट मैं पूरा जरूर करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट एक ट्यूटोरियल वीडियो में मिलते हैं, तब तक ऐसा देखते रहिए, सीखते रहिए, साथ में आपका ख्याल रखिए, नमस्ते।